जब लोकल लोग बन गए देवदूत, पीड़ितों की मदद करने सबसे पहले पहुंचे। बताई भयानक मंजर की पूरी दास्तां। 2 जून की उस शाम को पूरा इंडिया शायद ही भुला पाए। उस शाम को एक के बाद एक 3 ट्रेन भयंकर दुर्घटना की शिकार हो गई। बालासोर रेल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसको रेल हादसे की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो मंजर, क्या रहे होंगे हादसे के तुरंत बाद के हालात। हर तरफ चीख पुकार, मदद की गुहार लगाते घायल यात्री। जो कुछ बोल नहीं सके अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसी बीच कुछ स्थानीय लोग हादसे के तुरंत बाद हादसे के शिकार यात्रियों की मदद को पहुंचे, जिन्होंने जी जान लगा दी, हर वो कोशिश की जिससे वो पीड़ितों की मदद कर सके। हालांकि अब हालात कुछ सामान्य है, रेल परिचालन शुरू किया जा चुका है, घायलों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है, लेकिन जिन स्थानीय लोगों ने रेल हादसे के पीड़ितों की सबसे पहले मदद की, उन्होंने उस वक्त के हालात की पूरी कहानी बताई जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आप भी सुनिए। उसी टाइम तो हम अंदर गए रेस्क्यू के लिए, वो एसी का कंपार्टमेंट का आदमी था, वो उन लोग को बाहर गया, तो जो डेड हुआ उसी का ऊपर हम चढ़ के वहाँ रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के लिए हमारा भाई और भैया और हमारा जो पड़िया में जो आदमी खेल रहे थे उसी टाइम सब आए थे। तो 3 आदमी आए थे, पहले सीढ़ी लेके गया लोको पायलट, 2 असिस्टेंट और मैंने सीनियर कर ले लोको पायलट को उतारे। आपकी बात की जाए, कितने लोगों को रेस्क्यू किया? तो 10-12 आदमी को रेस्क्यू किया, तो उसके बाद मैं स्पॉट में नहीं रहा देख के। बहुत लोग रेस्क्यू किया, स्थानीय लोग बहुत आया था, पूरा ब्लॉक जितना ब्लॉक का गाँव है आसपास गाँव सब लोग आए थे, पूरा रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के मेन भी चीज ये सब देख रहे बोगी में, लेकिन जो था इंजन में जो था लोको पायलट, वो दोनों को हमारा छोटा भाई जाके चढ़ के पूरा उतरा सीढ़ी लेके, फिर उसका 2 दोस्त लेके आया उसको उतरा, पूरा सीरियस था असिस्टेंट ड्राइवर, पूरा सीरियस था और ड्राइवर उसका पाँव तोड़ गया तो हाथ तोड़ गया, उसको निकल के पहले भेजा। रेस्क्यू करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरा बाबा तो गया उसको डोर को साबुन लेके ताड़ के खोला, डेड बॉडी के ऊपर नीचे है पूरा इंजर्ड हुआ घायल हुआ लोग, इसको निकाल के फिर यो वाला को निकाल के बाहर निकला। तो सुना आपने इन स्थानीय लोगों ने कैसे पीड़ितों की मदद की। जाहिर है किसी भी घटना के बाद मिलने वाली पहली मदद को भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब हर कोई असहाय होता है और एक दूसरे की भी मदद करने की स्थिति में नहीं होता है। ऐसे में इन स्थानीय लोगों की तरफ से मिली पहली मदद से कईयों को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सका होगा। ऐसे में इन लोकल रक्षकों के इस काम को सराहना मिलनी जरूरी है, क्योंकि पीड़ितों के लिए वो किसी देवदूत से कम नहीं थे। तभी तो NDRF के DG अतुल करवाल ने बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इन लोगों की सराहना की। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।